विदेशी धरती पर राहुल गांधी के बयान से भारत में बवाल। राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी को देश से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। शुक्रवार को वहां दिए गए राहुल गांधी के बयान से भारत की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है। राहुल के इसी बयान से भाजपा नेता कांग्रेस और गांधी पर आक्रामक हो गए हैं और उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम सांसद भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। शुक्रवार को ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा किया, उसे भारत के नेता सेकुलर पार्टी बताते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले नेता को कुछ लोग अब भी मानते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिन्ना की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था। राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं या शायद वायनाड में टिके रहने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, उन्हें जो कहना है यहाँ आए, जनता के बीच अपने विचार रखें। विदेशों में भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सहयोगी पार्टी है। अयोग्य होने से पहले राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। वाशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय प्रेस क्लब में राहुल गांधी से मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल पूछा गया था। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, पार्टी में नॉन सेकुलर जैसा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सवाल भेजा है पूछने के लिए शायद उसने मुस्लिम लीग को पढ़ा ही नहीं। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim. और यही वजह है राहुल गांधी का यही वो बयान है जिसको लेकर अब भारत में सियासत जोरों पर है।